दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई जो वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रही है उन वर्कशॉप्स का जो सर्टिफिकेट है आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बात ध्यान देने की है कि आप सिर्फ उन्हीं वर्कशॉप्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जो वर्कशॉप्स आपने अटेंड करी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना अटेंड करे किसी भी वर्कशॉप का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ये पूरी प्रोसेस बताऊं कि आप अटेंड करे हुए वर्कशॉप्स का सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिएगा, कोई भी स्टेप को आप मिस मत करिएगा, वरना आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल, छोटा सा ट्यूटोरियल है, इसे पूरा देखिएगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, उसकी कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टेप स्किप कर देंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो यूआरएल है ये मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहां पे आके इस यूआरएल को पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई का जो पोर्टल है ये ओपन हो गया है। यहां पे यूजर आईडी आपको डालनी है, पासवर्ड आपको डालना है, ये सिक्योरिटी पिन डालनी है और लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट लॉगिन है, तो जब आपने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करा होगा तब आपने लॉगिन एज करके स्कूल मैनेजमेंट से जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करा होगा, या स्कूल मैनेजमेंट ने आपको रजिस्टर्ड करा होगा वर्कशॉप्स के लिए। जब उन्होंने आपको रजिस्टर्ड करा होगा तो उस समय उन्होंने एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करा होगा आपको रजिस्टर करते वक्त, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको उनसे लेना पड़ेगा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको मेरा जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डाल के दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं इस स्क्रीन को ब्लर करने वाला हूँ तो आपको ये आईडी पासवर्ड नहीं दिखाई देगा, बट आपको यहाँ पे इस तरह से आईडी पासवर्ड डालना रहेगा। ठीक है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है आपकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा नाम आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंट है वो लिखा हुआ है कि आप कितनी ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड हैं। फी पेड यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कितने वर्कशॉप के लिए फी पेड करी है। हालांकि सारी वर्कशॉप फ्री है, तो आपने जितनी वर्कशॉप में रजिस्टर करा है वो काउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आपने कितनी ट्रेनिंग का फीडबैक सबमिट करा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितनी वर्कशॉप में रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा, कितनी आपने अटेंड करी है। इस सेक्शन का मतलब ये है, ट्रेनिंग्स अटेंडेड जो ये सेक्शन है इसका मतलब ये है कि आपने कितनी वर्कशॉप अटेंड करी है और वहां पे सक्सेसफुली आपकी जो अटेंडेंस है वो सबमिट हो चुकी है। कई बार क्या होता है आप अटेंडेंस फिल करते हैं फिर भी यहाँ पे जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो नो बताता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अटेंडेंस फिल करी है फिर भी वो आपकी अटेंडेंस को यहाँ पे नो बताएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो आपकी अटेंडेंस नो बताएगा तो आप यहाँ पे फीडबैक सबमिट नहीं कर पाएंगे। इवन आपने अगर वर्कशॉप अटेंड करी हो फिर भी अगर आपका जो अटेंडेंस है वो अगर नो है तो आप फीडबैक सबमिट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ हो चुका है, मैंने एक वर्कशॉप में अटेंडेंस फिल करी थी बट फिर भी मेरा जो है वो फीडबैक सबमिट नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है अटेंडेंस नो शो कर रहा था। तो अगर आपकी अटेंडेंस नो शो करेगा तो आप जो है वो फीडबैक सबमिट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप फीडबैक सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आप सर्टिफिकेट भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं ये मेरी तीन वर्कशॉप थी, यहां पे दो की अटेंडेंस जो है वो यस दिखा रहा है और एक की अटेंडेंस जो है वो नो दिखा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो अटेंडेंस है ये नो है तो मैं यहाँ पे फीडबैक सबमिट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे ये अगर अटेंडेंस नो है तो मैं इसका फीडबैक नहीं सबमिट कर पाऊंगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फीडबैक कैसे सबमिट करते हैं। आपको यहाँ पे सबमिट फीडबैक पे जाना है, यहाँ पे ऑनलाइन सेशंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिनकी अटेंडेंस सबमिट हो गई होगी वो वर्कशॉप के नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वर्कशॉप का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फीडबैक इस तरह से फिलअप करना है। फीडबैक आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं, ये सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आप जो फीडबैक आप यहाँ पे भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ से सबमिट फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट फीडबैक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ एक मैसेज आ जाएगा, फीडबैक एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये जो फीडबैक है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आपको माय अकाउंट के ऊपर जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड ऑनलाइन सेशन को
क्लिक करना है जिसके लिए आपने जो है फीडबैक सबमिट कर दिया है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने उसकी रेफरेंस आईडी सिलेक्ट कर ली और क्लिक हियर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट करा, तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो आफ्टर द ट्रेनिंग डाउनलोड कर सकते हैं। अटेंडेंस पोर्टल पे सबमिट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, तो जिस दिन आपने वर्कशॉप अटेंड करी है उसके 1 या 2 दिन बाद ये प्रोसेस आप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे और अब अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।